आदाब आदाब आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, हम आ गए हैं। आप क्या कर सकते हैं, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो हम आ गए। अच्छा, वो जो मेहमान होते हैं ना, जिनके आने की खुशी बहुत होती है, लेकिन वो जब अचानक आ जाए तो वो पता नहीं होता, ओहो आज तो हमने बिस्तरे उठा के धूपे लगवाने के लिए मतलब निकाल के रखे थे, सर्दियां आ रही थी। अच्छा, या आज तो हमने गर्म कपड़े पैक करने का प्रोग्राम बनाया था, इसलिए सर्दियां जा रही थी और गर्मियां आ रही थी और मेहमान आ गए। लेकिन अमूमन ये देखा गया है कि वेस्ट में, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, इन इलाकों में आपने हमसाए को चलते फिरते सलाम करना हो, फिर भी पहले इजाज़त लेनी पड़ती है कि जी मैं सलाम करने आ जाऊँ। यानी कि वो सोसाइटीज इस कदर मैकेनिकल और स्ट्रक्चर्ड हो चुकी हैं वक्त के अंदर कि 7:13 पे मैंने उसकी तरफ जाना है और 8:11 पे मैंने वहाँ से निकल आना है, सलाम करना है, चाय पीनी है। आने का वक्त भी होता है और जाने का वक्त भी होता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इस कदर वक्त की कैद में जब आप अपने आप को स्ट्रक्चर कर लेते हैं, उसके फवायद तो कुछ हैं, लेकिन उसके नुकसान ये हैं कि फिर वक्त ही इस बात का तायुन भी कर रहा होगा कि अच्छा आपने कब जाना है, किससे मिलना है, क्या बात कहनी है, मोहब्बत का इजहार कैसे करना है, गुस्से का इजहार कैसे करना है। इस कदर मशीनी जिंदगी, इस कदर मशीनी जिंदगी, तो कभी कभी हमें अपने सोशल फाइबर की इन चीजों को भी चेरिश करना चाहिए। मिसाल के तौर पर जाने का वक्त है, आने का वक्त नहीं। भाई ठीक है, मतलब मुझे पता आप क्या करेंगे, नहीं 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 नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, आने का वक्त भी होना चाहिए और जिंदगी में तरक्की करने के लिए आप, लेकिन नहीं, आज के दिन मैं चाहूंगा हम जरा रिलैक्स करें और हम अपने माशरे के कुछ इस तरह के ऐसे लीन बैक एटीट्यूड जो है ना, उनको भी थोड़ा सा सेलिब्रेट करें। अरे क्या फर्क पड़ता है अगर आने का कोई वक्त ना हो, जाएंगे जब खाला सुरैया के चेहरे पर हमने नागवारी देखी तो उठाएंगे। भाई जब तक खाला सुरैया हमारी कंपनी को एंजॉय कर रही है तब तक बैठे रहें, और कुछ नहीं तो उनके सर्दियों के कपड़े तय करवाने और बक्सों में बंद करवाने में ही हेल्प कर दें। और इसी बहाने वो एक स्वेटर, हालांकि खाला सुरैया के पास स्वेटरों की कमी नहीं है, लेकिन वो एक स्वेटर जो पिछले 10 साल से खाला सुरैया पहने चले जा रही है, बल्कि पहनती भी नहीं है, वो हर साल बक्से में बंद होती है, हर साल निकलती है और अलमारी में हैंग हो जाती है और फिर बंद हो जाती है, लेकिन खाला सुरैया उससे डिटैच नहीं होना चाहती। ये खूबसूरत चीजें में आप उनके साथ बैठेंगे तो आप कह सकते खाला इस हरी स्वेटर बड़ा ही अरसा हो गया आपने नहीं पहनी। हाँ बेटा मैंने कभी पहनी नहीं, तो इसको किसी को दे दें। सो इस तरह की जो खूबसूरत चीज़ें हैं जो हम अपने माशरे में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, आज उनको सेलिब्रेट करना है। अपने फैमिली में, अपने घर में कोई ऐसी आदत, कोई ऐसा कोई अपना अंदाज जिंदगी का जो लीन बैक एटीट्यूड है आपके फैमिली के अंदर, उसको आइडेंटिफाई करें और उस पर मुस्कराएं, उसको इंजॉय करें। ज़रूरी नहीं होता कि हम हर वक्त बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड, मैकेनिकल, टाइम बाउंड जिंदगी गुजारने के बारे में सोचते रहें। इस बारे में आपने जरूर सोचना है, आप इस एक्सरसाइज को शदीद तरीन इंजॉय करेंगे। और जिस तरह हम आज इंजॉय करना चाहते हैं, दुआ कुछ मेरी क्लास फेलो हैं, और दुआ थोड़ा सा सेगमेंट तैयार करने में थोड़ा लेट हो गई, पोलन एलर्जी का वक्त चला गया है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, तौसीक अंकल मैंने इतनी मुश्किल से तैयारी की और मैंने याद किया है कि पोलन एलर्जी कैसे होती है, तो मुझे बताने दें। हमने कहा चलें जी कोई बात नहीं, आप आ जाएं, बताने देते हैं आपको, लेकिन जो सुनने वाले हैं वो जहन में रखें कि अब पोलन का मौसम नहीं रहा, लेकिन हर साल फिर आता है, तो अच्छा है कि कोई काम की बात दुआ से हम आज सीख लें। एंड ऑफकोर्स मीना तारिक, मीना तारिक मुझे समझ नहीं आता इस बंदी को, मैं मतलब ये क्या चीज़ है जिसका नाम मीना तारिक है। ये कहती हैं मैंने पूरे पाकिस्तान के लड़कों, लड़कियों, बच्चों, मर्द, ख्वातीन, बुजुर्ग सबको मैंने ये बताना है कि वो खुद अपना कारोबार कैसे कर सकते हैं, प्राइसिंग कैसे करेंगे जनाब, ब्रांडिंग कैसे करेंगे, ये कैसे, वो कैसे, अपने खाते कैसे बनाने हैं, एक्सपेंसेस। और कोई बात नहीं, पैशन पैशन की बात, ये मीना का पैशन है। Let's celebrate this passion today also. और आज मीना से हम जानने की कोशिश करेंगे कुछ प्राइसिंग, आपको याद होगा पिछले कुछ अरसे से प्राइसिंग का सिलसिला उन्होंने चला रखा था, उस हवाले से आज बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स ये लेकर आई हैं, खास तौर पे उन मैन्युफैक्चरर्स के लिए जो बहुत स्मॉल स्केल पर, बहुत छोटे स्केल के ऊपर रोज के रोज, दिहाड़ी के दिहाड़ी कुछ ना कुछ चीज़ बनाते हैं और उसको बेचते हैं, बनाते हैं और उसको बेचते हैं, बनाते हैं और उसको बेचते हैं। मीना ये कहती है कि कई बार आप इसी एक चक्कर में घूमते चले जाते हैं और आप भूल जाते हैं कि आपने अपने बिजनेस को ग्रो भी करना था। इंटरेस्टिंग, तो मीना से भी आपकी मुलाकात करवाई जाएगी। एंड ऑफ कोर्स आज हम कुछ बात करेंगे
आर्किटेक्चर की, और आज हम बात करेंगे एक बाप बेटा की कि जो दोनों आर्किटेक्चर की दुनिया से हैं। वालिद साहब तो तकरीबन 50 साल से पाकिस्तान के अंदर बड़ी लीडिंग बिल्डिंग्स इनके क्रेडिट पे हैं, खासतौर पे इस्लामाबाद जब नया नया बनना शुरू हुआ तो पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स और इस तरह की और बहुत सी बिल्डिंग्स इनके क्रेडिट पे हैं। तो सोहेल अब्बासी एंड फवाद अब्बासी दोनों बाप बेटा आज हमारे साथ होंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये बाप जबरदस्ती बच्चों को डॉक्टर तो बनाते थे अपने क्योंकि वो खुद डॉक्टर होते थे, ये आर्किटेक्ट भी ऐसा करते हैं या यहाँ पे कहानी कुछ और है। तो सोहेल और फवाद अब्बासी से आपकी मुलाकात होगी। ये सब है आज के ब्रेकफास्ट एट होम में हमारे पास आपके लिए। एंड ऑफ कोर्स हमने स्टार्ट करना है एपेटाइजर से। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग शिफ एंड ट्रेनर तहमीना जी, बताएं, लेट्स स्टार्ट। आज तो बहुत मेरा दिल कर रहा है कि बस मैं भी शुरू हो जाऊं जी, लेकिन मैं सबसे पहले अपने दोस्तों से बात करना चाहूंगा। जो तो सिख भाई लीन बैक होने की बात कर रहे हैं, इसमें आपको लीन फॉरवर्ड होने की जरूरत है और स्ट्रक्चर्ड होना है होना चाहिए आपका जो वर्कआउट और वर्कआउट प्लान और न्यूट्रिशन प्लान जो भी है। लेकिन न्यूट्रिशन प्लान की बात तो बाद में करेंगे, वर्कआउट प्लान इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा और इसको सीरियस लेना है। तो सिख भाई ने जो बात की शुरू में वो उस बाकी चीज़ों के लिए ठीक है, लेकिन इसमें आपने सीरियसनेस दिखानी है वरना इंजरी के चांसेस, ये जो ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना, तो सिख भाई इशारे कर रहे हैं इंजरीज आपको होनी है तो फिर आपने ट्रेनर काशिफ और ट्रेनर तहमीना को पकड़ना है कि आप जिम्मेदार हैं इस चीज़ से, तो आपने खुद ख्याल रखना है। तहमीना शुरू करते हैं आज का वर्कआउट। अच्छा जी, कार्डियो से हम शुरू करेंगे। हमारे पास स्किप रोप भी और वेट्स भी हैं, फुल बॉडी वर्कआउट है, हिट वर्कआउट। और हम अगर हम ये बता दें कि वार्म अप बिल्कुल रूटीन का होगा या कोई खास वार्म अप्स, गर्मी आ गई है तो आप लोग सजेस्ट करना चाहते हैं, वैसे वार्म अप के ऊपर किसी दिन और एक सेशन। बिल्कुल जी जी बिल्कुल, लेकिन ये कि उसमें कोई इतना इशू नहीं है कि अगर आप वार्म अप नहीं भी करना चाहेंगे तो कोई नहीं, लेकिन हम बर्फी से स्टार्ट करेंगे। अब अगर नहीं वार्म अप किया हुआ तो कोई इशू नहीं है, अब हो जाएगा। बर्फी इटसेल्फ मुश्किल है। अच्छा करना क्या है, नीचे आएंगे, यू डू अ बर्फी, यू डू अ पुश अप अप एंड ऑल द वे अप, ठीक है। इसके बाद डाउन, पुश अप, अप ऑल द वे अप। अच्छा इसमें भी ऑप्शनल है कि जो लोग थोड़ा सा मतलब बर्पी सुखर, हम यूजली आपको बताते हैं, पुशअप भी बताते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप वैसे ही बर्पी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप आए, आपने पुशअप किया, आप आए, अच्छा उसके बाद यू कैन डू अ स्विंग टू, वो अब आप पे डिपेंड करता है, आप ये भी कर सकते हैं और यू कैन ऐड दिस, तो वो थोड़ी सी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, सांस थोड़ा उखड़ेगा। अच्छा जी उसके बाद हमने क्या करना है, लेकिन इसको बहुत एहतियात से करना है कि डंबल आपके हाथ से छूट ना जाए। जी बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा उसके बाद हमने करना क्या कि आप ये स्क्वाट पोजीशन में ये सो मोमेंटम में आप जाएंगे, सो यू आर हॉपिंग, नीज का बहुत ध्यान रखना है, हाथों से मोमेंटम यूज कर रहे हो, देखें किस तरह से अपनी फॉर्म को एक्यूरेट करके रखे हुए हैं। और ब्रीदिंग बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल हो गई हैं थोड़ी गर्मियां, जिम में चलने थोड़ा एसी वगैरह भी होते हैं लेकिन सांस का बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है। जी, तो जितनी देर का वर्कआउट उतनी देर का पानी, आधे घंटे का वर्कआउट तो एक लीटर पानी, स्मॉल सिपिंग। अच्छा जी ये हमारी दो एक्सरसाइजेस हो गई। उसके बाद हमने करना क्या है कि हम साइड टू साइड हॉप करेंगे जी, जैसे आपने हॉप किया एंड यू डू लंज, अ लंज, ठीक है, हॉप यू डू अ लंज, बिल्कुल ठीक है। अच्छा इसमें अगर आप चाहें तो दो तीन लंजेस भी आप जंप लंजेस ऐड कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ गए, वन टू एंड बैक, वन, यस। इन इस तरह की इनोवेशन आप अपनी बॉडी स्ट्रक्चर, उसकी कैपेसिटी और अपनी मोटिवेशन के मुताबिक चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट वेरिएशंस। हमारी बॉडी में इतने ज़्यादा मसल्स हैं, छोटे 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 इतने टिश्यूज हैं जिनको हम डिफरेंट एंगल से डिफरेंट वेरिएशन से ट्रेन करते हैं, तो आप खुद भी एक साइज खुद डिजाइन कर सकते हैं कोई भी मूव। अच्छा काशिफ हम वेट्स ले लेंगे जी तहमीना। अच्छा थोड़ा सा अब हम जैसे शोल्डर प्रेस या हम अपर बॉडी का वर्कआउट नहीं कर रहे, बट वी विल डू दिस नॉन स्टॉप। यूँ रखे डंबल्स, कोर पे प्रेशर ज़्यादा होगा तो आपने कोर टाइट, आपने लीन बैक नहीं होना, आपने सीधे खड़े होना, ठीक है। अच्छा इसका ध्यान ध्यान रखना है कि जैसे आप ये वेट्स काशिफ के 8 किलो हैं या मेरे पास 3-3 किलो हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है कि उतना ही वेट उठाना है आपने कि जितना आप ऊपर नीचे इसको इजीली कर सके, नॉन स्टॉप बर्न करना है, चैलेंज हो, लेकिन ये नहीं है कि खुदा ना खासा जब जल्दी मोमेंटम में नीचे आए, चैलेंज हो, तकलीफ ना हो, तकलीफ ना हो। Exactly. अच्छा उसके बाद रोप्स स्किपिंग काशिफ करेंगे। अच्छा स्किप रोप हमारे पास है, हम आपको अक्सर बताते रहते हैं, लेकिन आपने ये सारी चीजें करने के बाद यू एड अ स्किप रोप। अब आपने इसको 100-200 टाइम्स करना है, दिस इज योर वन सर्किट एंड यू विल डू 5 times, ठीक है। 100 टाइम्स स्किपिंग जी, सारी एक्सरसाइजेस आपने 20-20 रिपीटेशंस करनी है विद 200 ऑफ स्किप रोप्स के बल। एक तो गुरु तहमीना जो है ना मेरा बहुत इम्तिहान लेती है,
अच्छा अब ये रेपिटेशन अगर आप देखेंगे तो ये 200 करने का मकसद है कि 5 राउंड्स में आप करेंगे 1000 स्किप रोप और ये जो 20-20 रेपिटेशंस हैं अच्छा बंद कर लूं अच्छा 20-20 जो रेपिटेशंस हैं ये जो 5 दफा करेंगे तो हर एक्सरसाइज आप करेंगे 100 टाइम्स सो 1500 रेपिटेशंस का वर्कआउट है और इस 20-30 जो आपका मिनट होगा जो भी आपका टाइम है इसमें आप मिनिमम 1500 कैलोरीज बर्न करेंगे क्योंकि अगर आप 1500 मैं आपको बता रही हूँ कि अगर एक रेपिटेशन में भी आप आधी कैलोरी भी बर्न कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल तो 1500 रेपिटेशंस में हाउ मच विल यू बर्न जैन काशिफ आपको पता है आप मेरे इंस्ट्रक्टर भी हैं कि मेरा टारगेट होता है रोजाना 250 से 300 का 300 कैलोरीज बर्न करने का तो अगर मैं ये एक हफ्ते में कर लूं तो बाकी हफ्ता छुट्टी मिल सकती है नहीं ये एहतजाज है यहाँ पे हम बिल्कुल करेंगे एहतजाज ये क्या बात होगी अगर 300 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 1500 राइट तो अगर 1500 कैलोरीज में हफ्ते में एक दफा बर्न कर रहा हूँ तो बेसिक मैथमेटिक्स है आप मैथमेटिक्स के सूत्र से कैसे हट सकते मैं प्लीज 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 कह रही हूं मैं इसे इस मामले में थोड़ा सा सख्त हूं क्योंकि जब तक आपका डिजायर गोल अचीव नहीं हो जाता तब तक आप छुट्टी नहीं कर सकते नहीं डिजायर गोल तो देखिए मेरा डिजायर गोल क्या है मेरा डिजायर गोल है एक हफ्ते में मैंने 1500 कैलोरीज बर्न कर लिया नहीं देखिए अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है तो देन काशिफ की बात बिल्कुल सही है ये बिल्कुल उसी बच्चे की तरह जिसको गर्मी की छुट्टियां होती हैं और उसको गर्मियों की छुट्टियों का काम दिया जाता है 3 महीने का अगर वो 15 दिन में पूरे 3 महीने का काम खत्म कर लेता है तो 2.5 महीने वो नहीं तो आपका वो काम नहीं है आपका काम तो फैट लॉस है वजन घटाना है तो यहाँ से 1500 कैलोरीज बर्न करना एक और नया गोल आ गया ना नहीं ये ट्रेनर काशिफ के खिलाफ एहतजाज अब होने लगा है सड़कों पे हमने झूठ बोल रहे हैं तो देखिए फैट बर्न करने में और वाटर बर्न करने में यानी वाटर जो लॉस करते हैं इट्स डिफरेंट ठीक है अब जैसे आप कोई भी बेल्ट बांध लेते हैं या आप सोना में चले जाते हैं स्टीम में वो आपका वाटर जा रहा होता है ठीक है पसीना निकलता है जी पसीना निकलता है लेकिन ये जो काशिफ ने अभी बात की काशिफ ने बिल्कुल सही कहा है कि जो आपकी जैसे फॉर एग्जांपल आपने 1500 कैलोरीज रोज बर्न की हैं मिनिमम जब आपने वेट लॉस करना होता है तो विल से कि 500 कैलोरीज रोज बर्न करें जो भी आपकी डेली ये 500 मिनिमम होती हैं और उससे ज्यादा भी हो सकती हैं अब होता क्या है ठीक है कि फॉर एग्जांपल आपकी हाइट के हिसाब से अगर आपकी कैलोरी इनटेक 1500-1600-1700 कैलोरीज नॉर्मल है ठीक है क्योंकि आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को भी एनर्जी चाहिए ब्रेन को बाकी ऑर्गन्स को ये जो पलक हम झपकते हैं इसमें भी एनर्जी लगती है पानी पलक आप अगर मिसाल के तौर पे आप यानी आपने बर्न कर दी एक हफ्ते के अंदर लेकिन आप दोबारा जब आप यानी खाना खा रहे हैं यानी उस दिन आ गया उसको भी आपने देखना है कि आपकी बॉडी को भी एनर्जी चाहिए एंड देन यू हैव टू स्टार्ट बर्निंग क्योंकि हो सकता है कि उस दिन आपने जाके कोई बर्गर शर्गर खा लिया कोई मील खा लिया कोई चीज तो निहारी खा ली निहारी निहारी तो बदनाम है निहारी बेचारी ऐसी बदनाम हो गई अच्छा जी तो 1500 कैलोरीज और रोप स्किपिंग एक दफा हम रिपीट कर देते हैं 100 दफा आप रस्सी टापते हैं 200 तो तकरीबन 200 कैलोरीज जी 200 टाइम्स जैसे हमने जो सर्कल 200 टाइम्स करेंगे तो कितनी कैलोरीज बर्न होंगी आपके मिनिमम 200 नहीं तो अदरवाइज 150 तो होंगी होंगी और समर है वैसे भी ओके तो यू विल बर्न लेकिन ये जो वर्कआउट हमने आज आपको बताया इट विल बर्न मिनिमम आपकी 1000 से 1500 कैलोरीज डिपेंड्स ये आपको कितना बॉडी का वो क्योंकि हाई इंटेंस है ना तो आपकी हार्ट बीट ज्यादा जाएगी तो जो लोग मेरे बुजुर्ग देखने वाले हैं जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है हेल्थ का तो आपने उसको ऐसे ही फॉलो नहीं कर लेना अपनी सेहत तबीयत के मुताबिक आपने फॉलो करना है बीच में आपने उस तरीके से रेस्ट भी लेना और देखिए रस्सी टापना ये एक हमारे गांव देहात में इवन शहरों में खेल भी हुआ करता जी बच्चियां बच्चे भी बच्चियां खास तौर पे रस्सी टाप इसका मतलब है कि हमारे खेल भी जो है वो बहुत ही ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हमारी गेम्स लेकिन मैं कहना चाहूंगा बदकिस्मती से ये खत्म हो गया सब कुछ ये बिल्कुल खत्म हो गया अब अगेन डिजिटल गांव देहात में भी बच्चियां बच्चे जो है वो कंप्यूटर बहुत अच्छी चीज है मैं कंप्यूटर के खिलाफ नहीं हूं लेकिन बात वही आती है कि ज्यादातर वक्त हम कंप्यूटर स्क्रीन के सामने गुजार रहे हैं इस तरह की एक्टिविटीज खत्म हो गई हैं एक्चुअली सो रस्सी टापने का जो खेल है जी इसको दोबारा से राइज करते हैं लेट्स डू इट टुगेदर मिलके बिल्कुल भी महंगी चीज नहीं है गांव देहात में घर के सहन में टेरेस पे छत पे पूरी फैमिली जो है वो रस्सी टापने का एक उसको खेल बना सकते हैं माँ बाप बहन भाई सब मिलके मुकाबला से रख सकते हैं कि अच्छा कौन कितनी बार रस्सी टापता है कितनी बार उसका पांव फंसता है किसी ने 50 किए किसी ने 60 किए 100 किए खेली खेल में पूरे खानदान की हेल्थ जो है उसको हम इंश्योर कर सकते हैं और ये गेम जो तौसीक भाई बता रहे हैं हम इससे नहीं करेंगे आप लोगों के लिए बाकायदा रस्सी लेके आएंगे और ये गेम करके दिखाएंगे ताकि आपको मोटिवेशन मिले और आप करें इसको एग्जैक्टली ट्रेनर तहमीना ट्रेनर काशिफ थैंक यू वेरी मच बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का सेशन था बहुत मजा आया
लेकिन ट्रेनर काशिफ ने बिल्कुल हमें इजाजत नहीं दी कि हम हफ्ते में एक दफा एक्सरसाइज करें और बाकी छह दिन छुट्टी करें। हम चल करेंगे एक छोटा सा मशहूर यहाँ ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मेरी क्लास फेलो दुआ मेरे साथ हैं, और आज कुछ पोलन एलर्जी के बारे में, कैसे होती है इसके बारे में दुआ हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाली है। वही मेरे साथ अभी मिलते हैं। क्लास फेलो टाइम। दुआ मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है दुआ? ठीक हो? जी ठीक। भाई दुआ की तैयारी में ना वो पोलन का एलर्जी का टाइम गुजर गया, लेकिन तैयारी अब क्योंकि बहुत अच्छी हुई थी इसलिए हमने सोचा कि कुछ इन्फॉर्मेशन। अच्छा जी, क्या टॉपिक क्या है आज? पोलन एलर्जी। जरा इसके बारे में हमें कुछ बताइए। पोलन एलर्जी जो होती है वो पौधों में होती है। अच्छा जी। और वो जो होती है पोलन एलर्जी वो पौधों में होती है, और जो स्प्रिंग का सीजन होता है उसमें हमें पोलन एलर्जी होती है। यानी बाहर का मौसम जब आता है फरवरी मार्च अप्रैल, ये तीन महीने जो है जरा ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसमें जब होती है तो हमें कैसे होती है, जो पोलन होता है वो हवा में मिक्स अप हो जाता है, और उसी हवा में हम ब्रीथ भी करते हैं तो वो हमारे अंदर चला जाता है। राइट। और ये पोलन जो है ये निकलता पौधों से है और दरख्तों से और प्लांट से है ना? जी, ग्रास, इस चीजों से। इसको हम देख सकते हैं जा रहे हो? पोलन जा रहा है? नहीं नहीं, बहुत छोटा होता है। बहुत छोटा होता जी। इस तरह नॉर्मल आइज के साथ हम नहीं देख सकते, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके साथ देखना पड़ता है पोलन को, यानी कि माइक्रोस्कोप और इस तरह के इंस्ट्रूमेंट से। जी। तो ये हम जैसे सांस लेते हैं तो ये हमारे अंदर चला जाता है। अंदर चला गया जी। फिर क्या होता? फिर ये जब अंदर जाता है तो ये एक वो बनाता है, एक खास किस्म का प्रोटीन बनाता है जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता, लेकिन हमारी बॉडी को लगता है कि हार्मफुल है। अच्छा। तो वो उसके खिलाफ एक आर्मी बनाने शुरू हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर। जी। और उस आर्मी का नाम होता है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज जब तैयार हो जाती है तो वो डिफरेंट सेल्स पे जाके अटैच हो जाता है, और फिर वो हिस्टामाइन रिलीज करती है। हिस्टामाइन? जी। वो हमारी बॉडी के अंदर ही रिलीज होती है? जी। और फिर एलर्जी जो हमें होती है उसका जिम्मेदार हिस्टामाइन होता है। यानी मैं ये हमेशा समझता था कि बस वो जो पोलन अंदर गया और अंदर जाके एकदम से नजला वजला शुरू हो गया और ये वो, ऐसा नहीं, उसका भी पूरा प्रोसेस है। ओके, वो एंटीबॉडीज फिर वो जाके सेल्स पे जुड़ती है, वहां से हिस्टामाइन बनता है, वो असल में एलर्जी करता है। जी। और फिर पोलर हमें एलर्जी हो जाती है वो हमारी दो चीजों पे इफेक्ट करती है। ओके। आइस पे करती है और नोज पे करती है। अच्छा। और जब वो इफेक्ट करती है तो हमारे आंखों से और नाक से पानी आने शुरू हो जाता है, और हमारा जो नाक होता है वो बंद हो जाता है, हमें छींके लग जाती हैं, और हमारा नाक जो होता है वो उसमें से पानी और वो बंद हो जाता है बिल्कुल। और ऐसे जैसे नज़ले की सी कैफियत है, वाटरी आईज जिसे कहते हैं ना? जी। और फिर हमारा जो वो होते हैं लोग जिन्हें अस्थमा होता है उनका इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, यानी अस्थमा अगर पहले से हो तो फिर पोलन के जमाने में उनको ज्यादा इफेक्ट करती है। और जब हम सांस लेते हैं जिन्हें पोलन होता है, फिर गड़गड़ की आवाज आती है। और फिर अगर ये अलामत हो तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर फिर हमसे सारी हिस्ट्री पूछता है और के आपको आईज में से ये सब कुछ पूछता है, और उसके बाद फिर डॉक्टर हमारा एक टेस्ट करता है, और उस टेस्ट का नाम होता है स्किन प्रिक टेस्ट। ये डॉक्टर साहिबा या डॉक्टर साहब करते हैं जी। ओके। फिर अगर हमें पोलन है या नहीं है वो हमें बता देता है। अगर पोलन हो तो हमें मेडिसिन और वैक्सीन वगैरह दे देता है, और उसके अलावा हमने कैसे बचना है पोलन से। ओके। हमने कैसे बचना है जरा बता सकती हैं आप? जी बताएं। हमने बाई जाने से अवॉइड करना है स्प्रिंग मौसम में। अगर मस्ट जाना है तो अपने साथ मास्क या तो इनहेलर, जो अस्थमा वाले लोग होते हैं वो ये दो चीजें लेके जाएं। और मास्क लगा के जाएं ताकि वो जो पोलन जो जाता है हमें नजर नहीं आ रहा वो अंदर ना जाए, और मास्क जो है उस पोलन को रोक ले। जी। ठीक हो गया। और इसके अलावा जब हम बाहर कहीं घूमने गए हैं स्प्रिंग मौसम में, जब वापस घर आएंगे तो बाथ लेंगे और कपड़े चेंज कर लेंगे। ओके, यानी कि उन कपड़ों पे भी कई दफा पोलन लगा हुआ होगा। जी। तो वो घर आके भी आपके अंदर जा सकते हैं, ऐसे नहीं कि आप घर आ गए तो आप सेफ हो गए।
अगर आप बाहर से होके आएँ, किसी पार्क से होके आएँ, किसी बहुत दरख्तों वाली जगह से होके आएँ, तो आप कपड़े बदलें, खुद गुस्ल लें, नहाएं और कपड़ों को चेंज करें और उन कपड़ों को धोने वाले कपड़ों में डाल दें। जी, और आपने दरवाजे और खिड़कियाँ वगैरह बंद रखने घर के, ताकि हवा से पोलन अंदर ना आ जाए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा भाई, बड़ी अच्छी आपने टिप्स दी। और कोई पॉइंट रह गया? और ये जो हमारा इस्लामाबाद है बहुत हरा भरा, इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा अभी पोलन हो गया। और दुआ, मैं आपको बताऊँ एक मजे की बात कि कुछ अर्सा पहले डॉक्टर शाजली मंजूर और डॉक्टर मोहम्मद हनीफ, जो कि डॉक्टर हनीफ तो माहिर मौसमियात हैं और डॉक्टर शाजली जो हैं वो चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, वो हमारे शो में आए थे और उन्होंने ये बताया था कि अब कुछ वक्त के साथ साथ, क्योंकि कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA ने वो दरख्त और वो पौधे जिनसे पोलन होता है उनको बहुत ज्यादा उन दरख्तों को काटा गया है, जिसकी वजह से अब पोलन काउंट जो है वो हर साल थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। So which is very good. और, लेकिन फिर भी हमें एहतियात करनी चाहिए। और पोलन इस दफा ज्यादा जो हुआ है वो तीन चीजों की वजह से हुआ है। बताइए कौन सी तीन चीजें? जंगली शहतूत जो हम खाते भी, उनकी वजह से, ग्रास की वजह से और भांग की वजह से। ये तीन पौधे जो है इनकी वजह से, और इनको एलिमिनेट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काम भी कर रही होती है, लेकिन हमने अपनी एहतियात पूरी तरह से करनी है। आप कौन सी क्लास में? फोर में। और फ्यूचर के क्या प्लान हैं दुआ के? प्रोफेसर बनना है। प्रोफेसर साहिबा, ऐनक किधर है आपकी? और प्रोफेसर साहिबा तो ऐसे आती हैं और बस हर वक्त गुस्से में होती, नहीं ऐसी तो नहीं? नहीं, अच्छे वाले प्रोफेसर भी होते हैं ना? जी। किस चीज की प्रोफेसर, कौन सा सब्जेक्ट? मुझे भी मैथ्स आती है। नहीं, झूठ बोल रहे हैं। 6 + 7 = 14, मुझे पता है, सिंपल सा मैथमेटिक्स है, इतने तो हर एक को आता भी। 6 + 7 = 8 9 10 11 12 13 14 6 + 7 = 14। आपको याद है एक दफा मैं आपसे मिली थी तो आपको नहीं आ रहा था? अच्छा, आज मैंने सही जवाब दिया? जी है? नहीं नहीं, गलत है। सही है यार, सही बता। 6 + 7 = 14 होते हैं ना? 6 7 8 9 10 11 12 13, नहीं 13 होते हैं। इसका मतलब मैं बड़े होकर मैथ्स का प्रोफेसर नहीं बन सकता? जी। तुमने मेरी सारी उम्मीदों पे पानी डाल दिया दुआ, अब क्या होगा? फिर आप प्रैक्टिस किया करें मैथ्स की। अच्छा, कोई बताओ कैसे प्रैक्टिस करूं, कोई टिप दो मुझे मैथ्स की प्रैक्टिस कैसे करूं? आप कोई बुक ले लें जिसमें मैथ्स की सारी चीजें हों और उससे प्रैक्टिस किया करें। यानी बुक्स के साथ, बेसिक मैथमेटिक्स की बुक्स के साथ सम्स को सॉल्व किया जा सकता है। आज से ही काम शुरू। दुआ, थैंक यू वेरी मच, जीती रहो, बहुत बहुत शुक्रिया। हम चल के लेंगे एक छोटा सा मशहूरियां ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुरु मीना हमारे साथ हैं, और गुरु मीना हमें कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइसिंग के बारे में बहुत ज़बरदस्त टिप्स देने वाली हैं, खासतौर पे उन कारोबारी हजरात और ख़वातीन और नौजवानों के लिए कि जिन्होंने छोटे स्केल के ऊपर अपना नया नया कारोबार शुरू किया है। रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। PTV Home, PTV Global US, PTV Global Europe और PTV News और ऑनलाइन तमाम नाज़रीन को हम कहेंगे तैयार हो जाएं, इसलिए कि गुरु मीना आ गई हैं और मीना कहती हैं बस हट जाओ पीछे, मैंने पूरे पाकिस्तान को एंटरप्रेन्योर बनाया। बचपन से आपको ख्वाहिश थी? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। कि बड़े होके सबको कारोबार शुरू कराना है? मैंने आई थिंक मुझे ज़्यादा ख्वाहिश ये थी कि मैंने बड़े होकर खुद कारोबार करना है, बट खैर आई थिंक आप जब बच्चे होते हो तो आप बड़े कन्फ्यूज होते हो, तो मुसलसल हर टाइम पे आपकी डिफरेंट ख्वाहिशात होती हैं। एक टाइम पे, सॉरी ये थोड़ा टॉपिक से तो हमारे हट के, नहीं, नहीं, बिल्कुल, पर मैं बचपन में कहती थी मैंने असिस्टेंट कमिश्नर बनना है, असिस्टेंट कमिश्नर बनना, और असिस्टेंट डायरेक्ट असिस्टेंट कमिश्नर ही, मतलब मुझे ये नहीं पता था कि उससे ऊपर भी कोई होता है, उससे नीचे भी कोई होता है, बस मैंने बड़े होकर असिस्टेंट कमिश्नर बनना है। अच्छा, ये क्या था, किसी से मुलाकात हुई होगी किसी? नहीं, पता नहीं मैंने कहाँ से ये पिक किया और क्या मेरे जहन में आया, बट आई थिंक मेरे जहन में इसकी एसोसिएशन जो है ना वो एक अथॉरिटी और मतलब कोई अच्छे काम करना, कोई भलाई, कुछ इस तरह की मेरे दिमाग में इसकी एसोसिएशन। आप इतने एम्पावर्ड होते हैं कि आप कुछ एम्पावर्ड होते हैं, बिल्कुल। तो मैं बस, मुझे ये होता था मैंने बड़े होके असिस्टेंट को, मैं खैर उससे पहले तो मैं बचपन में कहती थी मैंने बड़े होके दुल्हन बनना है। जो कोई पूछता था। आई थिंक आप जैसे जैसे बड़े होते हो तो आपकी चेंज होती जाती है। हाँ,
तो अब दुल्हन बनने की ख्वाहिश तो पूरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह और बिजनेस मैन बिजनेस पर्सन बनने की ख्वाहिश भी पूरी हो गई बिल्कुल एसी वाला रह गया वो रह गया वो उम्र भी गुजर गई सीएसएस की तो एज होती है ना तो अब वो नहीं अब मैं कर भी नहीं सकती अब कोई और अच्छा जी आज का टॉपिक क्या है आज हमने बात करनी है प्राइसिंग के बारे में ही थोड़ी सी और आप हमने लास्ट टाइम भी प्राइसिंग शुरू की थी और हमने डिस्कस किया था कि प्राइसिंग हम मल्टीपल लेवल्स पे डिस्कस करेंगे प्राइसिंग तो मैंने आज कुछ बहुत जरूरी बातें करनी है बड़ी सिंपल सी करें जी, जरूरी बातें करनी हम कौन होते हैं मना करने वाले वो आपके व्यूअर्स हैं और आप हैं और हम तो बस वैसे ही हैं बिल्कुल सो हमने लास्ट टाइम जो बात की थी वो की थी कि आपने जब अपनी प्राइसिंग के बारे में सोचना शुरू करना है तो सबसे पहली चीज आपने कॉस्ट करना है कि आपको ये चीज़ बनाने में अगर आप ये फूल बना रहे हैं आप ये कमीज़ बना रहे हैं या स्वेटर बुन रहे हैं तो उसको एक स्वेटर को बुनने में आपका उस स्वेटर पे खर्चा कितना है और वो आपकी बेस लाइन है अब आपने जो भी प्राइस रखनी है वो उससे ऊपर रखनी है सो मैं आज जो बात करना चाहती हूँ ना वो जैसे कि आपने कहा शुरू में बिल्कुल मेंशन किया वक्त की कैद तो हम सारे वक्त की कैद में और आपका बिजनेस जो है वो भी वक्त की कैद में ही है तो आपने जब बिजनेस शुरू करना है तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें जो है ना इनको सोचते हुए रियलाइज करते हुए शुरू करना है सो स्पेशली मैं उन लोगों से आज बात करना चाहती हूँ जो अपने किसी हाथ के हुनर से कोई चीज़ बना रहे हैं स्वेटर बुनना जो भी आपने जिक्र किया था उसी को लेकर स्वेटर बुनने को लेकर चलते हैं अब आपको बुनाई आती है ये टैलेंट आपको आता है या तो आप उसको लेकर और आमतौर पर ये लोग यही कर रहे हैं मैंने पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस के साथ काम किया है लोग ये करते हैं कि अगर आपको बुनाई आती है ना तो वो सबसे बेसिक स्वेटर जो मार्केट में बिक रहा है ना आपकी करीबी मार्केट में बिक रहा है आप वो बनाना शुरू कर देते हो ठीक है अब बात ये है कि आपके पास दिन में 8 घंटे हैं काम करने के लिए उन 8 घंटे में आप सिर्फ 4 स्वेटर बना सकते हो मतलब वक्त है ना आपको बहुत स्पीड हो तो आप 4 स्वेटर बना सकते हो ये बेबी स्वेटर्स की बात हो रही है किसी भी किस्म की अज्यूम कर लें कि आप 4-8 घंटे में 4 स्वेटर बना सकते हैं इसका मतलब है कि आपके दिन में आप पूरा मतलब 100% भी काम करें ना तो वो 4 स्वेटर से ज्यादा आप दिन के नहीं बना सकते क्योंकि आपकी ह्यूमन कैपेसिटी इससे ज्यादा आपकी ह्यूमन कैपेसिटी है वो जो वक्त की कैद है आपकी अपनी फिजिकल कैपेसिटी है वो इतनी है आप अगर एक स्वेटर बना के अपनी लोकल मार्केट में अगर आप 800 का बना रहे हैं और आमतौर पर लोग यही करते हैं सो फनी बात यह है कि आप जब बिजनेस से बात करते हो तो आपको लगता है मसला ये होगा कि वो प्राइस बहुत ऊंची रख रहे होंगे और प्राइसिंग की बात करते हुए आपको उनको ये समझाना पड़ेगा कि प्राइस नीचे करें जब मैं बिजनेस से बात करती हूँ तो मैं रियलाइज़ करती हूँ हर कोई प्राइस नीचे रख रहा है और मुझे उनको ये कन्विंस करना पड़ता है कि वो प्राइस ऊंची करें अच्छा। वो सबसे सादा आम चीज़ आप बेसिक स्वेटर बना के 800 का बनाते हैं और 1000 का बेचते हैं पर स्वेटर आप 200 रुपए बचाते हैं और अगर 4 स्वेटर दिन के हैं या 3 या 4 स्वेटर हैं तो दिन का बना 600 से 800 बना ठीक है बिल्कुल ठीक है और महीने का बन गया तकरीबन 25,000 उससे भी कम बनेगा ओवरऑल ठीक है क्योंकि आपकी शायद ट्रांसपोर्ट भी पड़ गया आपकी और कॉस्टिंग आपने 20,000 से 22,000 रुपए आपने इतना आपका महीने का बन गया और आपकी क्योंकि ह्यूमन कैपेसिटी है ना एक बन गई है उससे ऊपर तो जा नहीं सकते इसका मतलब है आप मैक्सिमम काम करेंगे ना तो आप महीने में इतना ही कमाएंगे अब एक पॉइंट आएगा आपकी जिंदगी में और शुरू में हमें ये फील नहीं होता आप बिजनेस शुरू करते हो आप बड़े एक्साइटेड होते हो करते हो मगर एक पॉइंट आएगा कि ये बात आपको चुभने लग जाएगी कि ये मैं पूरा टाइम इतना काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मैं इससे ज्यादा नहीं बढ़ सक रहा क्योंकि वो ग्रोथ जो है जो आपने शुरू में बात की लोग उस साइकिल में आ जाते हैं और बहुत अच्छी बात है शुरू तो करते हैं ना कम अज कम मगर वो जो 20 या 24,000 आप कमा रहे हैं उससे आप इतना भी नहीं कमा रहे होते कि आप एक और बंदा रखें आप कैपेसिटी बढ़ाएं आप पूरा बिजनेस नहीं उस पर खड़ा कर सकते तो आपके बिजनेस पे लग गई कैप अब आपने रियलाइज करना है इस कैप के अंदर रहते हुए कि आप अपने रेवेन्यू ये जो आपकी आमदन है अब आप उसको कैसे बढ़ाएं बताएं यही आज हमारी जो बात है वो सारी इसी पे मैं ये एडवाइस देना चाहती हूँ कि आप जब भी कोई काम करने का सोचते हैं हमने शुरू में बात की थी आप कोई बिजनेस का आइडिया सोचते हैं अब मुझे आती है कढ़ाई या मुझे आती है बुनाई बजाय इसके कि आपके जो करीबी मार्केट में सस्ती चीज़ एक बिक रही है सबसे बेसिक डिज़ाइन के साथ आप भी वही बनाना शुरू करें आप थोड़ा सा रिसर्च पे टाइम लगाएं आप थोड़ा सा देखें कि इसी हुनर को इस्तेमाल करते हुए आप कौन सी ऐसी चीज़ बना सकते हैं जिसको लोग ज्यादा पैसों पे खरीदने पे तैयार हो जाएंगे और आपका मेबी पर स्वेटर मार्जिन जो है वो 500 हो जाए बिल्कुल वो ऐसी यूनिक चीज लेके आए अपनी इनोवेशन लेके और आप टारगेट आपने टारगेटेड तरीके से ये सोचना है कि मैं ऐसी क्या चीज बनाऊं कि अभी अगर लोग 1000 पे ये स्वेटर खरीद रहे हैं तो लोग 2000 किस किस्म की बुनी हुई चीज पे लोग 2000 देना तैयार शुरू हो जाएंगे या 1500 या 1400 मतलब जो भी पर आपने अपने मार्जिन को बढ़ाने की कोशिश करनी क्योंकि वक्त उतना ही वक्त हम नहीं बढ़ा सकते
इंटरेस्टिंग ठीक है. सो वो कॉस्टिंग तो एक बेसिक चीज थी, आज हम ये वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग इसको कहते हैं एक्चुअली. वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग बिल्कुल ओके. बजाय इसके कि आप कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग करें कि इस चीज की ये कॉस्ट है, इसका इतना मेरे पे, मेरा इतने इस पे खर्चा आया है, ₹2 लगे हैं तो मैं इसको ₹4 का बेचूं. आप ये देखें कि मैं ऐसी क्या चीज बनाऊं जिसके लिए खरीदने वाले की वैल्यू चार के बजाय छह या आठ हो जाए. बिल्कुल. और आपकी कॉस्ट या दो हो या दो से शायद तीन पे चली जाए, बिल्कुल, लेकिन उधर से चार जो है वो आठ हो जाए, वो आठ हो जाएगा. ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग. और इसको वैल्यू एडिशन भी कहते हैं कि आप, और ये बड़ी आसान चीज है, ये मुश्किल नहीं. आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, आपको मतलब कहते हैं ना दुनिया में कोई चीज नई नहीं रहेगी. आप अगर आपको, मैं क्वेटा गई तो वहां पे बहुत सारी खवातीन एप्लिक का काम करती हैं, एक किस्म का हुनर है, टैलेंट है, एप्लिक का काम करती हैं. वो उसकी बेड कवर्स बनाती हैं, उसकी कमीजें बनाती हैं, मगर वो जो एप्लिक का काम कर रही हैं वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आज से 20 साल पहले हो रहा था. आज से वो मटेरियल भी वही इस्तेमाल कर रहे हैं, वो रंग भी वही इस्तेमाल कर रहे हैं. अब आप अगर क्वेटा में एप्लिक का काम कर रहे हैं और क्वेटा की मार्केट में ही बेच रहे हैं, तो शायद वो, क्योंकि वहाँ पे है भी बहुत ज़्यादा, लोगों को आसानी से मिल जाता है एप्लिक का काम क्वेटा में, तो वही बात है, लोग शायद 1000 की कमीज खरीदें. अगर आप वो इस्लामाबाद में बेचने का सोचें तो इस्लामाबाद में शायद लोग या लाहौर में बेचने का, या लाहौर में, या कराची में, तो लोग शायद 3000 की खरीद लें, या 2000 की खरीद लें, या 1500 की खरीद लें. मार्केट बड़ी है और शायद बाइंग पावर भी, बाइंग पावर भी बेहतर है. मगर अगर आप वही रंग इस्तेमाल करेंगी जो आप क्वेटा में मार्केट में बेचने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, तो शायद इस्लामाबाद में रहते हुए लोग, या लाहौर में रहते हुए, या कराची में, वो टेस्ट डिफरेंट हो, फैशन डिफरेंट हो. तो नए जो ट्रेंड्स और फैशन हैं उनको भी साथ साथ फॉलो करना, बहुत सिर्फ हुनर ही काफी नहीं है, बहुत जरूरी है. ट्रेंड्स किस तरह के हैं, हुनर, और हम, आपने सुना होगा कि जी आजकल हुनर जो है वो मरता जा रहा है, हाथ का काम खत्म हो रहा है. क्यों खत्म हो रहा है? इसी वजह से खत्म हो रहा है क्योंकि जो कारीगर है वो ये सोचता है कि मैं महीना लगा के चीज बनाऊं, एंड में मुझे 1000 रुपए मिले, 2000 रुपए मिले, तो क्या फायदा. मगर वो रियलाइज नहीं कर रहे कि जो डिजाइन का एलिमेंट है वो कितना जरूरी है, डिजाइन करने से कितना फर्क. आप वही काम जो है, वही कढ़ाई आप अगर किसी स्टाइलिश से बैग पे कर दें, या वही कढ़ाई अगर आप इस टॉप पे कर दें बजाय इसके कि वो बिल्कुल टिपिकल किस्म की कमीज हो, तो शायद मैं जो ये टॉप पहनती हूँ मैं उसके लिए ज्यादा पैसे आपको देने को तैयार हूँ. तो वो आपकी, आपकी मैंने देखा कि इस तरह की अमीना आप कढ़ाइयां और हाथ का काम, मसलन जूता जो है, मतलब खुस्सा है जी, अब वो टिपिकल खुस्से भी नहीं रहे, अब ये इस तरह की कढ़ाइयां खुस्सों के ऊपर जा रही हैं. बिल्कुल. मैंने हेड स्कार्फ पहने हुए देखा, बिल्कुल, एक दो खवातीन को, कि उन्होंने वो हेड स्कार्फ के ऊपर बिल्कुल इस तरह की हमारी एथनिक एप्लिक का काम. तो इस तरह की इनोवेशन भी करने की आप कोशिश करेंगे, जरूरी नहीं कि, वही बात है कि डिजाइन भी 20 साल पुराना है और जो प्रोडक्ट है एप्लीकेशन भी 20 साल पुरानी, एप्लीकेशन भी 20 साल पुरानी. और आपको पता है ये तो बड़ी, बल्कि आजकल फेसबुक वगैरह पे बड़ी चलती रहती है, बाहर के बहुत बड़े बड़े डिजाइनर्स जो हैं वो हमारी चीजों को इस्तेमाल करके, हमारी अजरक है, हमारी ब्लॉक प्रिंटिंग है, हमारी एप्लिक का काम है, हमारी कढ़ाइयाँ हैं, वो फुलकारी और मतलब बलोची काम, और इन सबको इस्तेमाल करके वो जो है वो मतलब $400 $500 की वो एक एक चीज बेच रहे हैं. क्यों? क्योंकि उन्होंने उस चीज को लगा दिया है, अप्लाई कर दिया है नई और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के ऊपर, और हम नहीं कर रहे. वो कहते हैं ना कि कारोबार का एक सबसे अहम उसूल जो है जिसको सब भूल जाते हैं वो है थिंक बिग. बिल्कुल. तो वो हम थिंक बिग नहीं करते, हम कुछ बड़ा नहीं सोचते, हम उस अपनी छोटी सी दुनिया में ही खुश रहते हैं. कनाथ बहुत अच्छी चीज है कि आपको, मगर बिजनेस में कनाथ जो है वो बहुत अच्छी चीज नहीं है. बिजनेस में आपको थोड़ा बड़ा सोचने की जरूरत है. आप अपने, अपनी करीबी मार्केट और ये मुश्किल है, ये आसान बात नहीं है. मिजाहिर है आप शायद जो देखने वाले हैं वो ये देख के सोच रहे हो कि ये तो उधर बैठी हैं, इनको क्या पता कि हमारे क्या मसाइल हैं, इनको क्या पता कि हमारी, हमें कितना मुश्किल लगता है. तो मुझे अंदाजा है, वही बात है, मैंने बहुत सारे लोगों से, क्या पूरे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा देहात गांव में बहुत सारी जगहों के साथ खासतौर पे, और मुझे अंदाजा है कि ये बहुत मुश्किल है. तो मैं ये नहीं कह रही कि ये आसान काम है, मैं ये नहीं कह रही कि आपके लिए आसान होगा नए डिजाइन ढूंढना, और मैं ये नहीं कह रही कि वो नए डिजाइन बनाने के बाद आपको नई मार्केट तक पहुंचना आसान होगा. कि मैं आपको कह रही हूँ कि आप क्वेटा में बिजनेस शुरू करके इस्लामा, और हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग की, कि आप थोड़ा सा किस तरह वहां बैठकर इंटरनेट को इस्तेमाल करके पहुंच सकते हैं, अपने कुर्ब के मार्केट से निकलकर इंटरनेट के जरिए आप बड़ी मार्केट तक, आप कोशिश करें, वरना वही बात है कि और ये मुझे नहीं पता टाइम कितना रह गया, मैं अगर एक छोटी सी और एग्जांपल दे दूं, मैं अपनी एग्जांपल से बात करना चाहती हूँ. मैंने जो सबसे पहला बिजनेस शुरू किया था जब मैं 14 साल की थी, मुझे मेहंदी लगानी आती थी, तो मैंने शायद पहले भी जिक्र किया है कि मैं मेहंदी लगाती थी, और मैं मेहंदी लगाती थी उस टाइम पर. मैंने देखा मार्केट में कितने की लोग लगा रहे हैं जी, 1000-1500 रुपए की ब्राइडल मेहंदी मैंने देखा लोग लगा रहे हैं. तो मैंने भी, मैं 14 साल की थी, मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने भी लगानी शुरू कर दी.
मसला ये है कि मैं एक दिन में एक दुल्हन से ज्यादा मेहंदी नहीं लगा सकती थी, मुझे 6 घंटे लगते थे और बिल्कुल मैं थक जाती थी। अब अगर मेरा कैप ये है कि मैं एक दिन में सिर्फ एक दुल्हन को लगा सकती हूँ और शादियाँ सिर्फ वीकेंड्स पे होती हैं, तो आपकी महीने में आठ कर लें, तो इसका मतलब है कि अगर मैं एक दुल्हन से 1000 रुपए ले रही हूँ और मैं सिर्फ 8 दुल्हनों को लगा सकती हूँ, तो मैं महीने में इस बिजनेस से 8000 से ज्यादा नहीं कमा सकती। बिल्कुल ठीक। मैं ऐसा बिजनेस कब तक करूंगी कि जिसमें मैं महीने से सिर्फ 8000 रुपए कमाऊं, जिसकी कैपेसिटी कैपिंग हो चुकी है, जिसकी कैपिंग हो चुकी है, तो जाहिर है मेरा वो बिजनेस मर गया, मेरा वो बिजनेस नहीं चला, क्योंकि एक पॉइंट के बाद मैंने वो तब तक किया जब तक मैं पढ़ाई कर रही थी, जब तक था, फिर मैंने रियलाइज किया कि मैं नौकरी कर लूँ तो मैं इससे ज्यादा कमा लूंगी, तो मेरा वो बिजनेस जो कि एक बहुत अच्छा बिजनेस था, लोगों को पसंद था, मैं एक अच्छा काम कर रही थी, वो खत्म करना पड़ा क्योंकि मैंने ये रियलाइज नहीं किया कि इसकी कैपेसिटी क्या है। सो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एडवाइस देना चाहती हूँ कि आप अपने बिजनेस में ये इवैल्यूएट करें। एक मैं फाइनल एग्जांपल अगर वैल्यू क्रिएशन की और दे दूँ, कढ़ाई सिलाई के अलावा मैंने एक बिजनेस देखा जिसमें तिल होते हैं ना, तिलों का वो तेल निकलवा रहे थे, ठीक है, और तिल का तेल आपको अंदाजा होगा इधर मार्केट में कितना महंगा बिकता है, बहुत वैल्यूएबल आपको चीज़। हम एक छोटी सी बोतल जब यहाँ खरीदते हैं तो वो 700-800 रुपए की छोटी सी बोतल हमें मिलती है, और वो जो है वो उसको प्लास्टिक की बॉटल्स में डाल के और 300 रुपए की वो बड़ी प्लास्टिक की बोतल प्योर तिल का तेल जिसमें से 5 छोटी बोतलें निकल आए, जिसमें से 5 छोटी बोतलें निकल आए। अब वो क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि वो प्लास्टिक की बोतल में डाल के बिल्कुल एक सादे तरीके से उसको बेच रहे हैं, देसी स्टाइल। अगर वो जो ये बिजनेस रन कर रहे हैं वो इसी बोतलें नहीं बनवा लें, उन बोतलों पे टैग लगवा लें, उसकी थोड़ी सी, इसको भी वैल्यू क्रिएशन कहते हैं, उसकी पैकेजिंग ही बेहतर कर दें, उसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी बेहतर हो जाए, थोड़ा शशका आ जाए, तो लोग उसके लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार हो जाएंगे। और हालांकि मेहनत और आपका काम, आपका हुनर वहीं का है, वैल्यू एडिशन उसके बिल्कुल। सो इस हिसाब से आप जो भी आइडिया, मैं ये कहूंगी आप लोग जो भी आइडिया सोच रहे हैं, आप उस पर थोड़ा सा ये सोचें कि कौन सा उसको ऐसे वैल्यू एडिशन कर सकते हैं कि उसको थोड़ा सा ऊपर ले जाए। बस आप जब 14 साल की थी हमारी मुलाकात नहीं, बिना मैं आपको एक बहुत जबरदस्त मशवरा देता हूं और आज भी आपका मेहंदी का बिजनेस जबरदस्त चल रहा है। अभी आप मुझे दे दें, हम फिर शुरू कर देंगे। आज की 16 दुल्हनें हो जाती, पता कैसे? वो आपने कभी उन लोगों को देखा है वो जो एक हाथ से बॉल यूं करके वो जो कर रहे होते हैं, यानी दोनों हाथ उसके काम कर रहे होते हैं, तो आप अपने दो दुल्हनें बिठाती, दोनों हाथ का हुनर होता, एक हाथ से एक दुल्हन, दूसरे हाथ से दूसरे, बस एक दिन में दो दुल्हनें होती। लेकिन अब ये मैं जो बिजनेस गुरु आपके पास उस वक्त नहीं था, तो ये बहुत लेट हो गया। थैंक यू वेरी मच मीना, खुश रहे, आपकी सारी टिप्स से हमारे खासतौर पे यंग लड़के लड़कियां बहुत बेनिफिट लेते हैं और इसलिए इस सेगमेंट का बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स भी आता है। ब्रेकफास्ट एट होम हमारा फेसबुक पेज है, तौसीक है मेरा फेसबुक पेज, जिसपे आप मीना तारिक से कोई भी मशवरा लेना चाहें अपने बिजनेस के हवाले से, प्राइसिंग के हवाले से, प्रोडक्ट डिजाइन के हवाले से, आप हमें फेसबुक पे भेज सकते हैं अपना नाम, अपनी जगह का नाम, और मीना बहुत खुशी से आपके सवालों के जवाब, आपकी पर्सनल कॉन्फिडेंशियलिटी रखते हुए आपको फेसबुक पे जवाब देते हैं, आपका ऑन एयर हम नाम नहीं लेते। हम चल करेंगे एक छोटा सा मशहूरियाँ ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो सुहेल अब्बासी साहब और फवाद अब्बासी, हम बात करेंगे आर्किटेक्चर। सुहेल साहब को थोड़ी देर के लिए कहेंगे आप जरा उधर देखें, फवाद से पूछेंगे अब्बा ने जबरदस्ती तुम्हें आर्किटेक्चर में लेके आए थे जैसे डॉक्टर लेके आते हैं, एंड ऑफ कोर्स वी विल बी टॉकिंग अबाउट भाई साहब के 50 साल से वो आर्किटेक्चर की दुनिया में है, पाकिस्तान की लीडिंग बिल्डिंग्स उनके क्रेडिट पे है, ये सब क्या दुनिया है, ये क्या सिर्फ शशका और बस लशपश है, या वाकई आर्किटेक्चर एक पूरे शहर की पूरे फेस को, उसके कैरेक्टर को बताता है। तो ये मेरे साथ अभी मिलते हैं। बच्चा बड़ा होता है, हम उसकी तरबियत करते हैं, उसकी परवरिश करते हैं, उसको सिखाते हैं, उसको ज़िंदगी के डूज एंड डोंट्स बताते हैं, और बड़े होते होते लड़कपन जवानी, और हम देखते हैं कि एक शख्सियत निकल के सामने आ गई, उसका कैरेक्टर है, उसका किरदार है, और उसके अंदर जाहिर है उसकी जीन्स भी हैं, लेकिन उसकी तराश खराश नोक पलक, जैसे माली बाग की नोक पलक दुरुस्त करता है, इसी तरह से माँ बाप, चाचा, फूफो, खाला एक बच्चे की परवरिश करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से कहा जाता है कि जब एक शहर ग्रो कर रहा होता है या शहर ग्रो कर रहे होते हैं, तो उनकी किरदार साजी, उन शहरों का कैरेक्टर कौन बनाता है, उन शहरों का फुफो, चचा, खाला, अम्मी, अब्बू, उन शहरों का मालिक कौन होता है? आर्किटेक्ट, जो उस शहर की बिल्डिंग्स को, उसकी शाहराहों को,
उसकी इमारतों को, उसके घरों को, उसके पार्क्स को, उसके अस्पतालों को डिजाइन करता है। यानी मिसाल लीजिए इस्लामाबाद की, तो इस्लामाबाद आज से 50 बरस पहले जब एक छोटा सा बच्चा था, तो जिन आर्किटेक्ट्स ने इस बच्चे को उंगली पकड़ के पांव पांव चलना सिखाया, अब वो आर्किटेक्ट्स इस शहर को देख के क्या समझते हैं? अच्छा पाल पोस लिया इस शहर को, इसका कैसा कैरेक्टर निकल क्या है? आज इस हवाले से भी हम बात करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ पाकिस्तान के एक लीडिंग आर्किटेक्ट मौजूद हैं, जिनका खास तौर पे इस्लामाबाद की नोक पलक और इनिशियल इब्तदाई ईंटें लगाने के अंदर एक बहुत बड़ा हाथ है। इस्लामाबाद ही की नहीं बल्कि पाकिस्तान की कुछ लीडिंग बिल्डिंग्स इनके क्रेडिट पे हैं, और हमें खुशी है कि ये आज अपने साहबजादे, जिनको न जाने इन्होंने ज़बरदस्ती या उनकी मर्जी से इस प्रोफेशन में लेकर आए, दोनों बाप बेटा आज हमारे साथ मौजूद हैं, मोहतरम सोहेल अब्बासी साहब और फवाद, हमारे बड़े अच्छे दोस्त फवाद अब्बासी। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो ये बताएं कि ये जो इतना बड़ा फलसफा मैंने भिखारा है ऐसे लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, इल्मियत से भरी बातें की हैं, ये क्या दुरुस्त भी है? वाकई एक शहर बच्चे की तरह होता है? शहर की बात तो बाद में मैं करूंगा, पहले मैं ये बता दूं कि मैंने फवाद को आर्किटेक्चर में जबरदस्ती बिल्कुल नहीं भेजा। आपने फौरन डिस्क्लेमर टोटल डिस्क्लेमर है ये इसकी अपनी हुआ है। इनफैक्ट आई गेव हिम एन ऑप्शन कि तुम जो पढ़ना चाहो पढ़ लो, मैं है, लेकिन एनीवे ही ऑप्टेड फॉर आर्किटेक्चर और मैं इसने आर्किटेक्चर पढ़ा। रही बात शहर की, तो शहर यकीनी तौर पर एक सॉर्ट ऑफ इट्स लाइक अ चाइल्ड जिसको आप आस्ता आस्ता ग्रो करता है। इट डजंट सॉर्ट ऑफ हैपन ओवरनाइट, तो शहर नहीं बन जाया करते। शहर बनते और शहर को वाइब्रेंट होने में एक सर्टन टाइम लगता है। मैंने इस इस्लामाबाद को 68 से देखा है, इनफैक्ट थोड़ा सा अर्ली भी देखा है, लेकिन उस वक्त मैंने एज एन आर्किटेक्ट या एज अ क्वालिफाइड आर्किटेक्ट नहीं देखा था। मेरे पेरेंट्स 64 में, माय फादर 64 में यहाँ आ गए थे इस्लाम रावलपिंडी, एंड हम लोग रावलपिंडी में रहा करते थे। और ये गांव सा था शुरू ये में एक जी हाँ एक गांव था। मुझे याद है कि उससे पहले जब कभी हम रावलपिंडी आया करते थे तो सैदपुर और नूरपुर जाया करते थे पिकनिक करने, पिकनिक मनाने के लिए। छोटे छोटे दो गांव हुआ करते थे, और उसके बाद फिर ये उसका कैपिटल बनाने का फैसला हुआ यूफा के ज़माने में, और फिर शहर के नाम का कंपटीशन हुआ, इसका नाम इस्लामाबाद सेलेक्ट हुआ। 68 में जब मैं आर्किटेक्चर पढ़ के यूनिवर्सिटी लाहौर से इस्लामाबाद पिंडी रावलपिंडी आया, इस्लामाबाद तो उस वक्त शुरू हुआ था, तो इस्लामाबाद थोड़ा सा बना था। हमने इसका मास्टर प्लान भी स्टडी किया ड्यूरिंग माय स्टडीज, इट वाज डिजाइन बाय अ ग्रीक आर्किटेक्ट प्लानर डॉक्सियाइडस, और उन्होंने एक डायनापोलिस का कॉन्सेप्ट दिया था। इट्स अ ग्रोइंग सिटी, इट कैन ग्रो ऑन इट्स ओन। अगला सेक्टर बनाते जाएं तो आगे चलता जाए, जी हाँ, वो ऐड होता चला जाता है। इसमें कुछ थोड़ी सी इश्यूज भी हैं, लीनियर सिटीज़, इट्स अ लीनियर सिटी, लेकिन प्रॉबेबली इसके लैंडस्केप ने, इस्लामाबाद के लैंडस्केप ने उसकी जो लीनियरिटी है उसको काफ़ी हद तक के मिनिमाइज कर दिया है। आप अगर देखें तो पुराने शहरों में पुराने शहर ऑर्गेनिक हुआ करते थे, वो ऑन देयर ओन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ सर्टेन टाइम पीरियड वो ग्रो किया करते थे। और अगर आप आज उन शहरों को देखें तो वो स्पेसेस जो उस ज़माने में बनी थी, जो शायद खुद बन गई थी या लोगों ने उनको उस वक़्त उस ज़रूरत के हिसाब से बनाया था, वो शहर आज आप उनको देख ख़ास तौर पर देखने जाते हैं। इस्लामाबाद उन दुनिया के उन तीन मुल्कों में से शहरों में से है जो नए बने, जिसमें से एक यानी जो बिल्कुल जीरो से प्लान हुए, ऑर्गेनिक नहीं बने जी हाँ, ये इस्लामाबाद है जी। दूसरा ब्राज़ीलिया है, और तीसरा चंडीगढ़ है इंडिया में। चंडीगढ़ भी एक नया शहर था जो भारत में, चंडीगढ़ और ब्राज़ील का कैपिटल ब्राज़ीलिया है, और यहाँ पर पाकिस्तान में सबसे पुराना कौन सा है? ये ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली तीनों शहर कंसीव किए गए और प्लान किए गए। अच्छा फवाद, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इस वक्त एज ए यंग प्रोफेशनल लीडिंग आर्किटेक्ट, आप लोगों की आर्किटेक्ट्स की जनरेशन जो ब्राज़ीलिया चंडीगढ़ और इस्लामाबाद को कंपेयर करते हैं, तो प्रोफेशनल ओपिनियन क्या है?
क्या ये तीनों शहर जिस तरह से सोचे गए थे 50-60 बरस बाद वैसे ही निकल के आए या नहीं? आई थिंक विजनरीज, बिकॉज विजनरीज सिमिलर टाइम के थे, विजनरीज ने इसको कंसीव बड़े इंटरेस्टिंगली किया था कि हर शहर की डिफरेंट तरह से ग्रोथ हुई है। मैं आई थिंक ज़्यादाबाद इस्लामाबाद ही कर सकता हूँ, क्योंकि इस्लामाबाद में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो रैंडमली हुई हैं। आई थिंक उसमें एक इशूज़ आपको नज़र आते हैं एज एन आर्किटेक्ट स्पेशली, अब बायलॉज रिवाइज हो रहे हैं, चीज़ें बेहतर होती नज़र आ रही हैं, पर आई थिंक तीनों शहरों की कुछ एलिमेंट्स कॉमन भी हैं। अच्छा, और वो कॉमन ये है कि जब वो कंसीव किए गए थे उसमें जैसा फिल साहब ने बताया कि देर वॉज सपोज टू बी नेचुरल ग्रोथ। आई थिंक इन सम केसेस वो इन चंडीगढ़ केस कह लें या इन ब्राज़ीलिया केस कह लें, वो ग्रोथ जो है हुई बड़ी इंटरेस्टिंगली है, पर इस्लामाबाद में अब हम जो फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, वो उसको हमें कोप करने के लिए उनसे थोड़ा डिफरेंटली हैंडल करना पड़ेगा। बिकॉज हमें जो अच्छी बात हमें मिलती है, चारों सीजन यहाँ मिलते हैं। और डेफिनेटली वो हम नोट कर रहे हैं, स्प्रिंग गायब होती जा रही है, सर्दी का टाइम जो है बढ़ रहा है, कभी कम हो जाता है, बट इस शहर में जो नेचुरल वेजिटेशन और नेचुरल ग्रीनरी है, जो शहर की एक खूबसूरती है, आई थिंक उसको हमें लेके साथ चलना है। जिंदगी से बात करते हैं कि कहीं कोई मिट्टी भी फेंक जाता है ना, कुछ दिनों बाद वहाँ पे घास निकल आती है। इट्स दैट काइंड ऑफ अ ब्यूटीफुल सिटी। तो आई थिंक जिस शहर में ये ऑटोमेटिकली ये चीज़ें हों, उस शहर में तो वैसे ही आर्किटेक्चर करने में मजा आता है। क्या आप समझते हैं, क्योंकि आपका अपना बचपन भी इस शहर में गुजरा, मेरा बचपन भी इस शहर में गुजरा, हमारी जनरेशन को, मेरी और आपकी जनरेशन को थोड़ा सा गिला है कि हमने अपने प्यारे से मासूम से इस्लामाबाद को ये फ्लाई ओवर्स और ये अंडर पासेस और ये लश पश, ये बहुत यू नो लाहौर कराची वाला एलिमेंट इसके अंदर अब बहुत आता जा रहा है। रात 11 बजे तक, 12, 2 बजे तक जनाब ट्रैफिक चल रही, तो हमारी जनरेशन के कुछ लोगों को इस चीज से गिला है। व्हाट इज योर प्रोफेशनल टेक ऑन दिस, कि क्या शहरों को एक मेट्रोपॉलिटन वाइब्रेंट हसल बसल होना चाहिए या इस्लामाबाद टाइप मासूमियत? देखिए, आपके दोस्तों ने, मेरे दोस्तों ने बड़ा मजाक उड़ाया था हमारे बारे में कि जी हम आते थे कराची लाहौर से और यहाँ पर तो 9 बजे लोग सो जाते थे। ये बात अब कोई नहीं कह सकता। एंड आई नो सो मेनी पीपल एंड लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स जो कराची से इस्लामाबाद मूव हुए या लाहौर से इस्लामाबाद, एंड उनको इधर रहना बहुत मजा आता है बहने में। हाँ, इस मैंने जरूर ये देखा है कि आप जो बात कर रहे हैं कि रात को लेट नाइट हो रही हैं चीज़ें, वो किसी हद तक अच्छी भी हैं, बिकॉज आई थिंक वो एक सिक्योरिटी इशू पहले भी इस्लामाबाद को उस तरह का नहीं था, बट अब एटलीस्ट ये हो रहा है कि लोग नजर आते हैं आपको, यू सी पीपल गोइंग ऑन Trail 3, Trail 5, लोग पार्क में वॉक कर रहे होते हैं, लेट नाइट इवेंट्स हो रहे होते हैं। तो आई थिंक आर्ट एंड कल्चर जो यहाँ मिसिंग था, वो भी काफी हद तक इस शहर में आया है। वही कैरेक्टर वाली बात, बिल्कुल कैरेक्टर बन गया है। हमारे पास सुहेल साहब ने जब नेशनल गैलरी डिजाइन की थी, मुझे याद है कि नेशनल गैलरी की इतनी शदीद जरूरत थी उस वक्त, और अब नेशनल गैलरी के बेशुमार फायदे हैं, हर वीकेंड पे कुछ हो रहा होता है और उसका कोई ना कोई फायदा है लोगों को, आर्ट लवर्स कैन गो, तो वो मतलब ये चीज़ें exactly बेहतर हुई हैं। फवाद और सुहेल अब्बासी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, आर्किटेक्ट पाप बेटा। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो नेशनल आर्ट गैलरी पाकिस्तान, नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स, इस हवाले से जिक्र फवाद ने छेड़ा है, तो हम सुहेल साहब के और फवाद के काम की कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, कुछ उस हवाले से भी बात होगी। और एक चीज़ हम ज़रूर फवाद से जानना चाहेंगे, क्योंकि आप में से बहुत से हैं जो कि डॉक्टर बाप बेटा, एक्टर बाप बेटा, आर्किटेक्ट बाप बेटा, बिजनेसमैन बाप बेटा, किसी भी शोबे में, हम फवाद से ज़रूर जानना चाहेंगे कि क्या एक बड़े शजर के साए तले पनप के आर्किटेक्ट बनने में अपनी इंडिविजुअलिटी क्या है फवाद की, या उसके अंदर अब्बा ने ज़बरदस्ती लाए तो नहीं थे, लेकिन अब्बा ऐसे जब नज़र करके यूँ देखते थे तो क्या वो डिज़ाइन चेंज हो जाता था फवाद का, या इसका अपना कोई एज एन आर्किटेक्ट कैरेक्टर हमारे सामने निकल के आया। रही मेरे साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, अभी मिलते हैं। एक बार फिर आपको हम खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेकफास्ट एट होम का सेट है और हमारे आज साथ हमारे बहुत ही मोहतरम मेहमान सुहेल अब्बासी साहब, जो कि पाकिस्तान के लीडिंग आर्किटेक्ट हैं, और उनके साहबजादे फवाद अब्बासी। देखो ना फवाद, तुम जितने भी अच्छे हो जाओ, तारफ तुम्हारा जो है ना वो अब्बा के जरिए ही होगा। कैसी फीलिंग? देखिए, फीलिंग तो मैं आपको बता नहीं सकता, साथ बैठ के इनके बाप से बात करना वो एक अलग उसका एक मजा है। बहुत दफ़ा हुआ व्हेन वी गॉट एन अवार्ड टुगेदर, उसका एक अपना मजा था। बट आई थिंक जो कुछ सीखा है पिछले 17-18 साल में मैंने इनसे, और रोज़ाना जो हम सीख रहे हैं, जो मेरी टीम सीखती है मेरे ऑफिस में, सुहेल फवाद आर्किटेक्ट्स में, आई थिंक हर किसी का एक अपना एक फ्लेवर है। बिकॉज अगर इनसे, और मैं कहता रहता हूँ, जो भी नया आर्किटेक्ट काम करने आता है, स्टूडेंट आता है इंटर्न करने, हम कहते हैं यार अगर इसका फ़ायदा नहीं उठाया तो ये तुम्हारी अपनी
उनकी क्या गफलत होगी, क्या लफ्ज क्या इस्तेमाल करूँ, बट आई थिंक इट इज सच एन ऑनर टू वर्क विद हिम एवरी डे. लेकिन कैसे इस बात को इंश्योर किया जाए कि आपका अपना जो फ्लेवर है वो भी आपके काम में नजर आए और वो सिर्फ ओवरशैडो ही ना हो जाए सुहेल साहब के काम? मुश्किल था, बहुत बहुत मुश्किल था और अभी भी मुश्किल होता है बहुत है, बट बिकॉज आई बिलीव इन हिज फिलोसफी ब्रिक आर्किटेक्चर, जो इन्होंने यही वन ऑफ द पायनियर्स इन ब्रिक आर्किटेक्चर अमंग सम अदर्स इन पाकिस्तान. तो ब्रिक को मैंने कोशिश ये की कि उसको हमेशा बिकॉज आई ऑलवेज लाइक्ड इट, बिकॉज इतना फ्लूइड मटेरियल है ब्रिक, हमेशा कोशिश की कि ब्रिक के साथ ही एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस किए जाएँ. हाँ, एक्सपेरिमेंटेशन साथ साथ चलती है, बट एलिमेंट्स दैट ही वर्क्स ऑन वो एक फिलोसफी हमारी है. हम साथ साथ कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं ताकि ये जो ब्रिक आर्किटेक्चर की बात हो रही है ये साथ साथ हम कुछ इनके काम के जरिए. अरे वाह, ये क्या है जी? ये जी पोलो कॉम्प्लेक्स है जी, इस्लामाबाद क्लब का पोलो कॉम्प्लेक्स है ये, उसके और ब्रिक के उसमें फिनिश में है ये. ये हमारा अपना घर है. अरे वाह, इसकी एंट्री फॉयर है हमारे घर का. आजकल बोगन जो है ये बैडमिंटन कोर्ट बिल्डिंग है जी इस्लामाबाद क्लब की. ये भी हमारा एक प्रोजेक्ट है जो इट्स वन ऑफ द काइंड बैडमिंटन कोर्ट्स इन पाकिस्तान. और उसकी उसकी जिमनेजियम भी है, स्पा भी है. इस्लामाबाद क्लब के लिए बिल्डिंग हमने की थी. ये उसी का एक और व्यू है फ्रॉम द बैक. अगेन आइडिया है वही आप जैसे कह रहे हैं कि कंटेक्चुअल मटीरियल्स हैं और कॉन्क्रीट टाइल के साथ एक मार्बल चिप्स कोटिंग है. ये एक फाइजर की बिल्डिंग है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसकी, अगेन इन ब्रिक. सो वन ऑफ आवर बिल्डिंग दैट वी आर वेरी प्राउड ऑफ, ब्रिक के साथ लिटिल बिट ऑफ एयरफेस. वन मोर हाउस, वन ऑफ माई फेवरेट हाउसेज आई थिंक हमने जो किए हैं, काफ़ी ये हाईलाइट भी हुआ है घर इसमें, अगेन ब्रिक के साथ और ग्लास ब्रिज और स्काई लाइट, बिकॉज लाइट हमारे केस में बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आर्किटेक्चर में. तो लाइट या तो साइड से, ये बहबूत हमने पूरा किया है, बहबूत जो सुपर मार्केट में आपने देखा हुआ है जी, जी, उसके तीनों फ्लोर हमने, ये इसका रूफ टॉप बागीचा है जो हमने किया. दिस अगेन ए सी एस आर प्रोजेक्ट, हमने इसे फीस नहीं ली थी एंड वी स्टिल वर्क विद बहबूत विदाउट एनी फी. तो ये एक हमारा, ये उसी का इंटीरियर, अगर आप आई एम श्योर आप गए होंगे, बहुत खूबसूरत जी. तो उसमें वेरी इट वॉज अ ब्लैंड प्लेस, वी रियली ब्रॉट इन कलर. बहबूद जिन लोगों के लिए काम करता है उनके लिए वी थॉट इट शुड बी अ वाइब्रेंट स्पेस. तो आई थिंक ये वन ऑफ आवर फेवरेट हाउसेज, अगेन ब्रिक के साथ फेयर फेस 217 पार्क फ्रंट है. ये दो तीन दफ़ा नेशनल मैगजीन में भी छपा है. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट दैट वी हैव डन हमारे दोस्त नादिया में बशीर का. ये एक हम ऑफिस कॉर्पोरेट ऑफिस बिल्डिंग कर रहे हैं, अगेन जो सोहेल साहब आप बात के सिखा रहे हैं हमें, ब्रिक के साथ हम मेटल के एलिमेंट्स और ऐसी चीजें. ग्लास और मेटल का बिल्कुल मुझे एक यूरोपियन जी इसके अंदर एलिमेंट नजर आ रहा है, लेकिन येट बहुत ही ऑर्गेनिक हमारे. अगेन द यूज ऑफ द व्यूज, हम बाहर कोशिश करते हैं जो हमें व्यूज बाहर मिल रहे हैं, जो अनइंटरप्टेड व्यूज हैं, उनको हम जरूर कैश इन करें. अगेन सोहेल साहब ने जो स्काईलाइट्स इंट्रोड्यूस कराई उनकी डिफरेंट तरीकों से हम स्काईलाइट को हम इंट्रोड्यूस करते रहे और उनको ठीक करते रहे और उनको उनसे बहुत सीखा झरोके का जो कॉन्सेप्ट था. इसके अलावा अगेन द सेंट्रल कोर्टयार्ड, सेंट्रल कोर्टयार्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि घर जो है उसकी अब खिड़कियां हमेशा खोल के रखें, उसमें पानी के एलिमेंट है, दरख्त है, उससे हम बाहर निकल के बैठ सकें. और अब पुराने वक्तों में जो सहन हुआ करता बिल्कुल हर विंडो उसमें खुल रही है, आप कोई सात वाला घर वाला देख नहीं सकते, लिटरली 10 फुट पे अगला घर खड़ा हुआ या 10 फुट नहीं 6-8 फुट पे अगला घर खड़ा, तो आप खिड़कियां खोल ही नहीं पाते. तो एक सेंट्रल कोर्टयार्ड का कॉन्सेप्ट जो पहले था आई थिंक वो हमने खिड़कियां अंदर की जानब खुल रही है. ये एक और कॉर्पोरेट ऑफिस बिल्डिंग है, अगेन द सेंट्रल कोर्टयार्ड जो आप कह रहे हैं, कहीं पे ये कवर्ड होती है, कहीं पे ये छत के बगैर होती है. और ग्लास ब्रिजेस का एक एलिमेंट है, कलर जो है वो सोहेल साहब ने हमें कहा कि यू नो अभी हम बैठते हैं बहुत दफ़ा बात होती है कि कलरफुल स्पेसेस कैसे आएँ, बट दे शुड बी मॉडस्ट ऑल्सो. वन ऑफ आर प्रोजेक्ट्स अगेन इस्लामाबाद, एक बहुत इंटरेस्टिंग रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, ब्रिक के साथ वही, बट ब्रिक के एलिमेंट को ज़्यादातर जो क्लाइंट्स आते हैं बस वो सोहेल साहब की जो एक ब्रिक की एक फील होती है प्रोजेक्ट्स में उसके लिए ही आते हैं. तो इसलिए हम, अगर आप देखें ये ग्लास ब्रिज है, आप नीचे से खड़े होकर आपको ऊपर तक नजर आएगा लेकिन बीच में कोई इंटरप्शन नहीं है. सोहेल साहब, क्या एक कोई दिन था जिसमें एक दिन आपने बैठ के सोचा था कि मैं क्या नया एलिमेंट दूंगा अपने काम में और वो था ब्रिक? चलो जी ब्रिक, हाउ डज इट, हाउ डिड इट इवॉल्व? एक्चुअली ब्रिक का जो ब्रिक में काम करने का जो कॉन्सेप्ट आइडिया हमें शुरू हुआ वो हम लोग पी एफ अकेडमी रिसालपुर डिज़ाइन कर रहे थे. मेरी प्रैक्टिस के 3 फेजेस हैं. पहले 7 साल मैंने एक इंजीनियर थे उनके साथ काम किया, वो दैट वॉज द फर्स्ट फेज. सेकेंड फेज में मैं और मेरे साथ एक मेरे कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्ट हैं नईम पाशा साहब, मैं और नईम पाशा इकट्ठे थे. हमने 20 साल इकट्ठे काम किया और उसके बाद ये 3री फेज है जिसमें मैं अपने बेटे के साथ काम कर रहा हूँ.
कि पी एफ अकेडमी जिस वक्त हम डिज़ाइन कर रहे थे, तो पी एफ अकेडमी की जो पहली बिल्डिंग है, जो आप लोगों ने अमूमन देखी होगी परेड वगैरह में दिखाते हैं, जो उनका कैडेट्स मैस है, दैट वॉज कंक्रीट में पूरी बिल्डिंग थी। एंड वी थॉट कि वो बिल्डिंग बहुत ब्रूटल लगती है, अगरचे उसमें बहुत सारी हमने पंक्चुएशंस की हुई थी, लेकिन कंक्रीट इट्सेल्फ इज़ अ वेरी ब्रूटल सॉर्ट ऑफ अ मटीरियल, फेयर फेस कंक्रीट जिसे हम कहते हैं, और ये बुशहमट था। एंड देन वी स्टार्टेड थिंकिंग कि हम क्या कर सकते हैं, एंड देन वी डिसाइडेड कि हम अपने लेट्स गो बैक टू आर ओरिजिनल मटीरियल जिसमें हम लोग काम हमेशा करते थे पहले, जो लोकल जो ऑर्गेनिक मटीरियल था, लेट्स बी इंडिजिनस मटीरियल पे आते हैं। तो वहीं से हमने दो बिल्डिंगें कंक्रीट में करने के बाद वी स्विच ओवर टू ब्रिक बिल्डिंग्स, एंड वी वर एबल टू कन्विंस द क्लाइंट। अगर क्लाइंट का कहना यह था कि ये आप जब मटेरियल चेंज कर रहे हैं तो एक कॉम्प्लेक्स के अंदर कुछ बिल्डिंगें एक मटेरियल में और कुछ उसमें, सो इट वॉज डिफिकल्ट, बट वी वर एबल टू कन्विंस दैम। एंड लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, वी फाउंड एयर फोर्स ऑफिसर्स वेरी, जिन्हें आप कहेंगे कि वो विजन उनका था, वो समझ चीज़ों को समझते थे, तो उन्होंने उन्होंने उस सारी सारी चीज के साथ क्लाइंट का, सुहेल साहब इसका मतलब क्लाइंट का आपके पे एक खास लेवल पे होना बड़ा जरूरी है। कभी कभी फ्रस्ट्रेशन उकताहट होती है कि आप बात समझाना चाह रहे हो, क्लाइंट अड़ गया कि नहीं 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 नहीं, बहुत दफा होती है, एंड अल्टीमेटली क्लाइंट विंस बिकॉज़ ऑफ कोर्स इट्स हिज मनी, एंड नहीं जीतता तो खैर नहीं है, लेकिन वी ट्राई एंड फाइंड अ वाया मीडिया सॉल्यूशन आउट ऑफ हिज desires because you cannot ignore his desires. Exactly. Fawad, ये बताएं, आपसे भी जब अगली generation इस वक्त architects की नए काम कर रहे हैं, उनको क्या tip देना चाहोगे कि वो अपने clients के लिए एक convincing power कैसे लेके आए? मतलब young architect है, उस पर कई दफ़ा एतबार और एतबार नहीं भी होता, what is the tip? I think बहुत tough, आपने I think काफ़ी मुश्किल सवाल है, because यहाँ पर एक दो चीज़ें जो हमारे लिए मुश्किल हो गई हैं, वो है social media. आई मीन यू इफ यू लुक एट इंस्टाग्राम पोस्ट जिसमें पिंटरेस्ट है और बेशुमार, और तो हर कोई आ जाता है आपके पास एक लेके कि जी मुझे ऐसी बिल्डिंग चाहिए। अब उनको कैसे कन्विंस करना है कि जी देखें कंटेक्चुअल बिल्डिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज हम ये नहीं कह सकते कि जी हम उठा के एक टाइप की बिल्डिंग को पाकिस्तान में ला के प्लॉन्ग कर देंगे। आई थिंक द पावर, और ये हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा होती है, 5 साल की ट्रेनिंग जो हम पढ़ाई जब कर रहे होते हैं एज एन आर्किटेक्ट, कि आपने कैसे अपने क्लाइंट्स को कन्विंस करना है। जब आप जूरी के सामने अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो आपने वो कन्विंस करना होता है कि मैं जो बना रहा हूँ ये इसकी रीज़न है, इसकी एक टेक्निकल एक्सपीरियंस जो पढ़ाई में आपका थीसिस होता है उसमें। थीसिस से पहले हर साल आप जूरीज दे रहे होते हैं, अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, हर स्टेज पर डिफरेंट साइज का प्रोजेक्ट, वो एक आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा होती है। उसी तरह जब क्लाइंट सामने आते हैं तो आप उसको बताते हैं कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये इसकी टेक्निकल मटीरियलिटी जब आप होती है उसमें, मटीरियल्स ऐसे हों जो हमेशा चल सके, उनमें पेंट ना मारना पड़े, उनकी उनकी एक उनकी दफ़ा लगा के आप भूल जाएं। बेसिकली सफेद बालों की जरूरत होती है क्लाइंट्स को करने, तो इसीलिए तो मैंने पूछा कि यंगस्टर बालों को सफेद कर लें, वो अपने बालों को सफेद कर लें, क्योंकि व्हाट आई रियलाइज्ड वाज दैट ऑफ कोर्स आप एज इवन एज अ यंग आर्किटेक्ट यू कैन बी वेरी कन्विंसिंग टू योर क्लाइंट्स, बट मैंने ये देखा है कि वंस आई रीच्ड अ सर्टेन एज और सर्टेन एक्सपीरियंस इन माय प्रोफेशनल लाइफ, उसके बाद लोग ज़्यादा आपकी बात को समझना और उस पर ज़्यादा अटेंटिव और उस पर एट अ यंग एज आई वाज फाइंडिंग इट मोर डिफिकल्ट टू सॉर्ट ऑफ कन्विंस देम ऑन समथिंग। एग्जैक्टली, इसलिए फवाद अभी भी होता है, मशवरा दिया कि बात होने नहीं है, अभी भी होता है, वैसे बता दूं बहुत दफा इनको लाना पड़ता है कि प्लीज इनको समझाएं ये गलत सोच रहे हैं और ये हमारी बात सुन नहीं रहे, तो इनकी बात जो इनकी बात पावर होती है। फवाद और सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। सोहेल अब्बासी एंड फवाद अब्बासी, दोनों पाकिस्तान के लीडिंग आर्किटेक्ट्स, आज ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे हैं और गपशप का सिलसिला जारी है। वो कहते हैं ना कि जो वो घर का भेदी हो ना, हमारे पास भी आप घर के भेदी हैं आपके प्रोफेशन से, अब्दुल्ला जिन्होंने ये सेट भी डिजाइन किया है। बल्कि सबसे पहले तो बताएं सोहेल साहब, हमारा सेट कैसा लगा?
क्योंकि आप तो गुरुज से मुझे मैं जब दाखिल हुआ तो मुझे पहले मैं सोच रहा था कि ये इतने डिफरेंट उसकी ट्रीटमेंट्स क्यों हैं एंड देन आई रियलाइज कि ऑफ कोर्स दे मस्ट बी कोई डिफरेंट सेगमेंट्स हैं एंड आई वाज समहाउ द अदर आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सेट के बच्चों के लिए बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से सेट लगाया गया है अभी आप पैसे पहले जो गुफ्तगू कर रहे थे उसमें एक डिफरेंट था सो आई थिंक बाय एंड लार्ज आई थिंक आई थॉट के दिस इज अ वेरी नाइसली अरेंज्ड सेट अब्दुल्ला बहुत खुश होगा जो कि आपके दोस्तों में से भी हैं वैसे फवाद व्हाट इज योर प्रोफेशनल ओपिनियन अबाउट अब्दुल्लाज वर्क देखिए अब्दुल्ला का काम हमेशा एक तो मेरा जूनियर है फ्रॉम इंडस वैली तो वैसे ही हम एक स्पेशल होती है हमारी बॉन्डिंग एज एज एलुमनाई ऑफ द यूनिवर्सिटी बट अब्दुल्ला इज एंड हसाम आर बोथ वेरी टैलेंटेड टू पीपल जो मैं आपके शो में देखता रहता हूं दोनों को और अब्दुल्ला का काम जो है बिकॉज ही इज लाइक मी ही इज आल्सो लेगेसी कैरिंग हिज फादर्स लेगेसी एंड इज वर्किंग विद हिज फादर लाइक आई एम तो उसमें जरा वैसे भी आपको एक सीनियरिटी और एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली आपके पास आना शुरू हो जाता है आई थिंक वो नजर आ रहा है आई थिंक ही इज पॉलिश हिमसेल्फ आई थिंक विद टाइम और अच्छा होता जाएगा बट दिस सेट इज वेरी वाइब्रेंट और बड़ा मजेदार लगा है मुझे आके मैं तो फर्स्ट टाइम मत कहते हैं इतना बहुत मैंने कम देखे ऐसे इंटरेस्टिंग सेट अच्छा टेल अस सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट हसाम अच्छा हसाम जो है ना वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग है हसाम की मदर लॉ को मैं जानता हूँ तो वो कहते हैं और उनकी हसाम की वाइफ लैलुमा दोनों और आर्किटेक्ट तो जब भी मैं आलिया मैम आलिया से मिलता हूँ तो कहती हैं इन दोनों का काम बड़े मजादगी से करते हैं लेकिन जो जितने पैसे कमाते हैं फिर बाहर जाके उड़ा के आ जाते हैं और मुझे रहता है मैं जब देखता हूँ दोनों ट्रैवल कर रहे होते हैं मैं कहता हूँ अच्छा तुम लोग वैसे कैसे मैनेज करते हो तो घर का भेदी उधर नहीं है घर का भेदी इधर भी है और अब्दुल्ला में भी इंटरेस्टिंग यही बात है कि अब्दुल्ला जो है वो उसका एक्सपोजर बड़ा इंटरेस्टिंग है अभी वो हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट पाकिस्तान के साथ भी इन्वॉल्व इज द ऑनरी ट्रेजरर आई एम द वाइस प्रेसिडेंट तो हमारी वैसे भी ऑन ऑफिशियल मीटिंग भी मुलाकातें काफ़ी होती हैं अच्छा हसाम ने आपके लिए एक सवाल भेजा है कि फवाद एज एन आर्किटेक्ट जी क्या कभी चाहेगा या क्या उसके ख्याल जहन में आता है कि वो सुहेल अब्बासी का जो एक ब्रांड क्रिएट हो चुका रहा है जी उससे निकल के भी कुछ एक्सपेरिमेंट करें कोई एक्सपेरिमेंट करे जो कि शायद उसकी आइडेंटिटी बन सके देखिए आइडेंटिटी जहाँ तक सवाल है आई थिंक मेरी आइडेंटिटी इनिशियली बहुत टफ थी आई वाज एबल टू मेक माय आइडेंटिटी ऑन माय ओन इन द सेंस के सुहेल साहब के साथ रह रहे के एक फ़ायदा ये हो कि ही स्टार्टेड टू एक्सप्लोर मोर मटीरियल्स तो मैंने उसी चीज़ को सीखा उससे सीखा और अब जो कुछ काम जो मैं पर्सनली हैंडल कर रहा हूँ फर्म में विद सुहेल साहब एडवाइस वो उसमें वो एलिमेंट जो सुहेल साहब के आर्किटेक्चर के हैं वो मेरे आर्किटेक्चर में ज़रूर नज़र आएंगे लेकिन विद सर्टन न्यू मटेरियल्स दैट हैव बीन एडेड टू दैट उसमें फेयरफेस कॉन्क्रीट और ब्रिक का भी एलिमेंट्स हैं उसमें मार्बल चिप्स कोटिंग के साथ ब्रिक के एलिमेंट्स हैं बट हमारा जो आर्किटेक्चर है विद इन सुहेल फवाद आर्किटेक्ट्स वो उसमें आपको एक मेरा फ्लेवर नज़र आना शुरू हो गया है कुछ सालों से सुहेल साहब हमारी नशस्त अब आज की अपने अख्ताम की जाने लेकिन मैं आखिर में आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा वैसे तो आपने पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी बहुत काम किया लेकिन इस्लामाबाद के अंदर जो आपकी आपके काम की कॉन्ट्रीब्यूशन है डेफिनेटली इस्लामाबाद को अब आप जब घूमते हैं सड़क पे निकले एक दिन सुबह और पूरा तूलो अर्ज में फिरे क्या इस्लामाबाद की चीज़ है जो आर्किटेक्चर के हवाले से आपको बॉदर करती है इस्लामाबाद ऑफ कोर्स ये तो मुझे मालूम था कि इस्लामाबाद ओवर पीरियड ऑफ टाइम वुड ग्रो एंड इट वुड बिकम अ वेरी बिग सिटी पॉपुलेशन भी बिकॉज यहाँ पर 68 से यहाँ रहते हुए आई हैव सीन आई रिमेंबर दैट पुराने मैं एक बार F8 से पुराने एयरपोर्ट पर किसी को पिकअप करने गया था और 19 मिनट में मैं पिकअप करके वापस आ गया था ये हाल था और अब जब मैं से यहाँ की ट्रैफिक देखता हूँ मिस मैनेज ट्रैफिक देखता हूँ इस्लामाबाद पर भी लैक अ फ्यू थिंग्स इस्लामाबाद में बहुत पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू हो जाना चाहिए था इस्लामाबाद में की प्लानिंग का रिव्यू होना बड़ा ज़रूरी था जो प्लान 50 साल पहले या 55 साल पहले डॉक्टर एडर्स ने बनाया था उसको रिव्यू होना जरूरी था पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी आप महसूस करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी मैं महसूस करता हूँ इस शहर में मैं जो इसके ग्रीन एरियाज़ हैं उनकी मेंटेनेंस उस तरह से नहीं हो रही है हर सेक्टर में इस्लामाबाद के 15-16% एरियाज़ ऐसे हैं जो खाली हैं जिनमें कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती थी या वो प्लान में शामिल नहीं थे तो वो डिप्रेशन के एरियाज थे दो शुड हैव बीन डेवलप्ड इनटू पब्लिक पार्क्स रादर देन टेकिंग देम टू दामनेको भी बहुत अच्छी जगह है पीपल शुड गो देयर पीपल शुड गो एल्सवेयर आल्सो लेकिन विद इन इस्लामाबाद पॉकेट्स होनी चाहिए थी जहां पीपल कुड वॉक वैसे हमारे एक दोस्त फवाद एंड सुहेल साहब कहते हैं कि
जैसे एम्स्टरडेम के अंदर वो ट्राम्स का सिस्टम है, तो इस्लामाबाद बड़ा यूनिक शहर है इस लिहाज से कि वो ट्राम्स जो है वो F6 से लेके F11 तक ट्राम चल रही है, G9 में आ रही है, तो वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा सकता है। फवाद, वन लास्ट थिंग, वेयर डू यू सी दिस सिटी इन 50 इयर्स फ्रॉम? देखिए जी, आई थिंक आज से 50 साल बाद इस्लामाबाद कैसा? देखिए, विजनरीज तो हैं और बहुत इंटरेस्टिंग विजनरीज हैं जो अच्छा सोचते हैं शहर के लिए। मैं समझता हूँ कि इट विल स्टिल बी अ वेरी वाइब्रेंट सिटी अगर हम इसकी ट्रैफिक को कंट्रोल कर लें, जैसे वेल साहब ने कहा, ट्रांसपोर्टेशन को किस तरह चैनलाइज कर लें। तो सिटी में इतना कुछ है कि आप सुबह उठते हैं तो आप टहलने निकल सकते हैं, आप शाम को चाहें तो आप कुछ खाना खाने जा सकते हैं। बाहर के इतने सारे मौके हैं जो किसी शहर में मैंने बहुत कम देखे। मेरे बहुत सारे दोस्त जो बाहर रह के वापस आए वो कहते हैं यार, जिस जो शहर में है ना वो हमने किसी दुनिया में किसी शहर में नहीं देखा। तो अगर ऐसे लोग जो बाहर रहे और वो आके एक बातें कह रहे हैं तो आई थिंक इस शहर में कुछ ना कुछ तो है जो लोगों को यहाँ खींचता है। फवाद एंड सुहेल साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत लुत्फ आया। लेकिन वही अभी थोड़ी देर पहले जो मीना तारिक से भी बात हो रही थी कि हम सब वक्त की कैद में हैं, तो ऑब्वियसली देयर इज अ टाइम दैट वी हैव। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर, स्पेशली आपकी तशरीफ आने का। आप सबका शुक्रिया कि आपने सुहेल अब्बासी एंड फवाद अब्बासी के साथ ये खुसूसी नशिस्त ब्रेकफास्ट एट होम की एक्सपीरियंस की। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, जिंदगी ने दी इजाजत, फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़।